तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। पहाड़ों की इन खूबसूरत सी वादियों से, उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। और अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पहाड़ों में गर्मियों का मौसम धीरे धीरे शुरू हो चुका है, और इन गर्मियों के मौसम में जो पहाड़ों से निकलता हुआ निर्मल सा जल है, तो वो नदियाँ हैं और उनमें आज हम नहाने जाने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग मैं वहीं बनाऊंगा, नदी में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, और चलते हैं नदी की ओर और आपको रास्ता दिखाता हूं कि कौन से रास्ते से हम जा रहे हैं। और मेरे साथ है सुमित, तो आप पीछे देख रहे हो, सुमित अपने कुत्ते को लेकर आ रहा है और उसे भी नहलाएंगे नदी में। और चलते हैं नदी की ओर और आपको रास्ता दिखाता हूं कि हमारा गाँव कहाँ पर है और हमारे घर से कितनी दूर नदी है। ये केले के पेड़ है और इसके ऊपर है हमारा घर यहाँ पे, और ये आपको मकान दिखाई दे रहे हो। तो ये रास्ता है यहाँ से, और आगे जा रहे हैं सुमित और उनके साथ है उनका कुत्ता। तो मैं तो अपने कुत्ते को नहीं नहला रहा हूँ, मैं उसे कल नहलाऊँगा, आज नहीं नहलाऊँगा। तो ये रास्ता है और देखो मेरे घर के मतलब कितने पास में नदी है, और ये है रास्ता। तो पहाड़ों के रास्ते कुछ ऐसे होते हैं कि पतले से रास्ते, तंग भरे मिट्टी के, और आप देखोगे कि मतलब शहरों के रास्ते कितने। हाँ, तो सुमित भाई बोल रहे हैं उनका कुत्ता कितना समझदार है, अपने आप नहाने के लिए जाता है, और मैंने उसे छोड़ दिया, और कोई और कुत्ता होता तो वो मतलब बिल्कुल भाग जाता, और मैं अपने कुत्ते को कभी भी नदी में नहाने के लिए नहीं लाता हूँ, इससे कुत्ते बिगड़ जाते हैं। तुम्हारा कुत्ता बहुत डब डटा हो रहा है, और सामने बकरियां हैं, और चल 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 आ ले अभी। ताई पानी दी होगी, पानी द्वी। तो उधर ने मुझे टाइम पूछा, और ये है चंद्रमती नदी। चल चल, ये चंद्रमती नदी है, और यहाँ पे हाल ही में किसी ने मछलियाँ मारी हैं, तो यहाँ पे किसी ने हाल में मछलियाँ मारी है। हाँ, अब देखो मछलियाँ कैसे मारते हैं। पानी यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से डिवाइड किया इधर, और पानी डाल दिया उधर, और इधर का जो पानी है पूरा सुखा दिया, ये देखो मिट्टी से पूरा बंद कर दिया, और इधर मछलियाँ मार दी। तो आजकल पहाड़ों में क्या कर रहे हैं कि लोग ब्लीचिंग का यूज़ कर रहे हैं मछली मारने में, तो उससे जो मछली की प्रजाति है पूरी ख़त्म हो जाती है। और पहले के ज़माने में क्या करते थे कि जो नेचुरल होते हैं उनको बोलते हैं रमाण महुआ, तो ये पहाड़ों में होते हैं, और एक तरीके के जो रमाण होता है वो थोड़ा कांटा होता है, और महुआ होता है वो बड़ा पेड़ होता है। तो उनको कूट करके पानी में, पत्थर में बिल्कुल बारीक तोड़ के पानी में भिगा देते थे, तो उससे क्या होता था कि मछलियाँ मरती थी, बट कुछ टाइम तक ही बेहोश होती थी, पूरी ख़त्म नहीं होती थी। पर ब्लीचिंग जो पाउडर है उससे मछलियाँ पूरी ख़त्म हो जाती है, और हमारे तालाब पे भी मछलियाँ मारी हैं, पता नहीं किसने फिशिंग की हुई है मेरे तालाब पे ऑलरेडी, हमारे तालाब पे सॉरी। और यहाँ पे गांव-गांव के अपने एक तालाब होता है, और ये हमारे गाँव का तालाब है, तो देखोगे बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल हमारा साहसिक। तो फाइनली हम नदी में आए हैं, तो आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़, और वो है पहाड़ का एक फल है हिसूल, तो इसको बोलते हैं हिसूल। तो इसमें कांटे होते हैं और काफ़ी छोटे से फल होते हैं, तो आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ। तो ये है हिसूल, और आप देखिए कि इस पर
छोटे से फूल आ रखे हैं वाइट कलर के, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड में। तो इस पर मतलब छोटे से इतने से फल होते हैं येलो कलर के। तो देखो ये है, तो इसके अंदर ये इसके अंदर होते हैं फल, तो काफ़ी मीठा होता है, काफ़ी टेस्टी फल होता है। तो अभी इस पर लगे हुए हैं फूल, काफ़ी खूबसूरत से। तो इसके बाद खाने के लिए होंगे ये मई जून के टाइम पे, और नदियों के व्यू काफ़ी बेहतरीन सा। और इस साइड भी देखोगे तो ये है मेरे घर यहाँ पे, तो मतलब काफ़ी पास में है। और यहाँ पीछे है जंगल, और इसमें फूल होते हैं हर टाइप के, बुरांस होते हैं और मोह के फूल होते हैं, उसके अलावा बहुत किस्म के फूल होते हैं, उतने तो मुझे नाम भी नहीं आते। बट ये वाले जंगल काफल भी इसी वाले जंगल में होते हैं, बांझ के पेड़, चीड़ के पेड़, सारे पेड़ मिलते हैं इस जंगल में। तो ये वाला जंगल है और मैं जाऊंगा इस जंगल में। तो फाइनली दिन को नहाने के बाद अभी शाम का टाइम है, और मैं मेरा आगे पे काम है, तो मुझे वहाँ पे जाना है, और उसके बाद देखते हैं कि गांव के बीच से निकलते हैं और आपको गांव के कुछ बेहतरीन से व्यूज़ दिखाते हैं। और सामने आग लग चुकी है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं। और ये पीछे ओंगे का पेड़ तो आपने पहले भी इसको देखा होगा, तो चलते हैं आगे के लिए और देखते हैं क्या प्लान है। तो यहाँ ऊपर पता नहीं किसने आग लगा दी है, और ये सारे हमारे खेत के पास में, तो पता नहीं ऐसे कौन आग लगा रहा है। और ये है सामने गांव का एक बेहतरीन सब्जी, और उसके ऊपर जो नज़ारे हैं काफ़ी खूबसूरत है। तो चलते हैं जल्दी से आगे और देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है गांव में। तो फाइनली शाम का टाइम है और लोग अपना काम धंधा निपटा के, जो भी खेतों का काम होता है उसको निपटा के घर जा रहे हैं, और मैं भी अपना काम निपटा देता हूँ। और बसंत का आगमन होने के बाद पहाड़ों में खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि सामने कितना सुंदर व्यू हो रखा है, और आजकल पहाड़ों में इस व्यू में घूमने का बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। और ये हैं श्यामल के फूल, तो ये भी खिल रखे हैं, और इसके अलावा आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि मोल के फूल भी खिले हुए हैं। तो आजकल जो पहाड़ों का मौसम है, जो पहाड़ों के व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रखे हैं, तो उनको देखने का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही सुकून है। तो फाइनली और चलते हैं अपने काम की तरफ। तो कल भी मैं इसी रास्ते पे आया था पहले, और आपने शायद वो वीडियो नहीं देखी होगी, तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे। और चलते हैं फिर आगे की ओर और अपना काम निपटा के जल्दी से घर चलते हैं, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, फिर मुझे आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं जल्दी से। तो फाइनली रात हो चुकी है और मैं यहाँ पे रुका हुआ था, बट वो मुझे घर पे मिले नहीं, तो मैं अभी उनको बुलाने जाऊँगा और उसके बाद चलते हैं अब घर। तो पहाड़ों का मौसम कुछ ऐसा है, और अभी घर चलते हैं तो रात हो जाएगी, फिर विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, बेहतरीन ब्लॉग के साथ, और आपको एक नया एक सस्पेंसिव ब्लॉग मिलने वाला है अगले दिन। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, और मिलता रहूँगा अपने बेहतरीन से ब्लॉगों के साथ।